हेलो फ्रेंड, मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में किस तरह से आप मतलब प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कैसे बनाते हैं, ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट के लिए, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन कैसे पेज बनाते हैं मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म कंडीशन का पेज कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म कंडीशन पेज क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं, ठीक है, फेसबुक भी अप्रूवल देता है गूगल, ठीक है। तो फिर गूगल का अगर आप अपने ब्लॉग वेबसाइट पर गूगल एडसेंस का आप जो एडसेंस चलाएंगे तो उसके लिए आपको टर्म कंडीशन पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना पड़ेगा क्योंकि आप प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म कंडीशन पेज नहीं बनाएंगे तो आपको गूगल अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जो आपको एड शो होगा ही नहीं, ठीक है आपको। तो चलिए बताता हूँ आप किस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म कंडीशन पेज बनाते हैं। सबसे पहले पेज बनाने के लिए आपको गूगल पर आना पड़ेगा। चलिए मैं चलता हूँ गूगल पे, मैं चलिए लिंक में जाते हैं डेस्कटॉप, वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर निकलना पड़ेगा privacypolicy.com, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर निकलना पड़ेगा आपको, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट जो आइकन मिलेगा आपको प्राइवेसी, देखा अब आपको प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर info.info इस पर आना पड़ेगा। जैसे ही इस पर आएंगे, ठीक है, आपको पूछेगा आपको। चलिए चलता हूँ डेस्कटॉप में, करता हूँ कंप्यूटर की तरह, इसमें डेस्कटॉप सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पूछेगा आपको वेबसाइट का नेम, ठीक होगा, योर कंपनी नेम, ठीक है। जो वो कंपनी का नाम है डालेंगे, नहीं तो आपको जो वेबसाइट का नाम वही डालेंगे, ठीक है। योर वेबसाइट नेम, जो वेबसाइट का नाम वही डालेंगे वो इस योर वेबसाइट URL, ठीक है। आपको जो वेबसाइट का URL है, जो लिंक है जो वेबसाइट का, वो इंटर करेंगे यहाँ पर, उसका देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं चलता हूँ, तीनों फिलअप करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं मेरा, देख रहे हैं आपको सबसे पहले आप योर कंपनी नेम डाल दिया है, योर वेबसाइट URL जो कोई वेबसाइट का नाम हो वो डाल दिए हैं, ठीक है। उसको वेबसाइट के जो URL है वो URL लिंक है, जो वेबसाइट के URL लिंक होता है उसको डालेंगे यहाँ पर। उसको देख रहे हैं नेक्स्ट का, नेक्स्ट पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर, चलिए नेक्स्ट पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एडिशनल सेटिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बोल रहा है आपको डू यू योर चूजिंग ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। आपको इसको यस करेंगे, ठीक है आपको। और बोल रहा है आपको डू यू शो एडवर्टाइजमेंट थ्रू गूगल एडसेंस, जो आपको वेबसाइट से जो गूगल एडसेंस के लिए आप ले रहे हैं, ठीक है, गूगल एडसेंस के लिए, तो इसको भी आप यस करेंगे, ठीक है। इसको आप नो करेंगे, ठीक है, नो कर देंगे। आपको देख रहे हैं इसके अलावा थर्ड पार्टी से अभी लेते हैं, ठीक है। आप तो नहीं, थर्ड पार्टी से मैं नहीं लेता हूँ आपको गूगल एडसेंस के लिए एडवर्टाइजमेंट, ठीक है आपको, ठीक है। इसलिए आपको नेक्स्ट करेंगे, चलिए मैं नेक्स्ट करता हूँ। आपको बोल रहा है आपको योर कंट्री नेम, आपको स्टेट, आपको योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। तब गेट जनरेट आपको हो जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी। चलिए मैं आपको ले लेता हूँ, आपको यहाँ पर आपको इंडिया लेना पड़ेगा जी। अब जिस देश से हैं वहाँ पर चुनना पड़ेगा आपको, चलिए मैं इंडिया ले लेता हूँ। आपको सिटी चुनना पड़ेगा आपको, अभी उसको आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं ईमेल आईडी फिल करता हूँ आपको, चलिए मैं पूरा मैं फिल कर दूँगा। देखा कंट्री आपको, स्टेट आपको, योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसको आपको देख रहे हैं आप गेट जनरेसी प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे अभी इस पर क्लिक करेंगे आपको देखा आप जनरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं आप मेरा जनरेट कर दिया गया, देख रहे हैं आपको इस तरह से गेट प्राइवेसी पॉलिसी। आपको देख रहे हैं इस पर, आपको यहाँ पर देख रहे हैं आपको जो HTML कोड है, यहाँ पर इस तरह से HTML कोड कर दिया गया, ठीक है। इसको पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कहाँ पर आपको पेस्ट करना पूरा मैं बताऊँगा आपको। पूरा कॉपी कर चुका हूँ, ठीक है, आपको इस तरह से, ठीक है। और इसको काटेंगे, आपको जाना पड़ेगा, आपको ब्लॉगर में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलता हूँ ब्लॉगर में, जैसे अब यहाँ ब्लॉगर में आ गए, यहाँ पर देख रहे हैं आपको नीचे, आपको यहाँ पर देख रहे हैं पेज का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे पेज पर। यहाँ पर देखो नीचे न्यू पेज पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं न्यू पेज पर आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं नीचे, आपको देखो HTML में जाएंगे, ठीक है। जब पेज का नाम डालेंगे, ठीक है, आपको नीचे आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसको, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे इसको, देखिए यहाँ मेरा पेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, मेरा पेस्ट हो गया यहाँ। इसको हम नाम दे देंगे प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ आपको, इसको अब देख रहे हैं मेरा, देखा प्राइवेसी पॉलिसी नाम दे दिए यहाँ पर, देख रहे हैं आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर शो कर दिया। अब इसको पब्लिश करना पड़ेगा, चलिए मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ आपके सामने। जैसे अब यहाँ पब्लिश करते हैं, देखें आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी आपको पेज बन गया, ठीक है। जैसे चलिए मैं इसको व्यू करता हूँ आपको किस तरह से लगेगा आपको, सॉरी फिर नीचे काटेंगे, इसको व्यू करेंगे, व्यू करके देखेंगे आपको, इसको देखेंगे किस तरह से लगेगा मेरा प्राइवेसी पॉलिसी। देख रहे हैं आपको प्राइवेसी पॉलिसी आपको इस तरह से पेज आपको जनरेट हो जाएगा इस तरह से,
ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है आपको इस तरह से। अब चलिए जब बताता हूँ आप टर्म कंडीशन कैसे पेज कर जनरेट करते हैं। ठीक है, टर्म कंडीशन पेज की जनरेट के लिए आपको फिर आपको गूगल पर आना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा टर्म कंडीशन। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा लिखता हूँ, टर्म कंडीशन लिखना पड़ेगा, दोनों को मैं लिंक डालूँगा जिससे हम डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, आपको लिखा देख रहे हैं आपको टर्म कंडीशन आपको, ठीक है, आपको generation.com इस पर आना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर इस पर आएंगे, ठीक है, आपको बोलेगा आप योर कंपनी नेम, देखो आप इस तरह से आप योर वेबसाइट नेम, योर वेबसाइट URL। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ तीनों फिलअप करता हूँ इस तरह से, जो आपको जो फिलअप किए इसे पहले फिलअप किए। ठीक है, आपको चलिए मैं तीनों फिलअप करता हूँ आपको इस तरह वीडियो पॉट करके। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं मैं तीनों में फिलअप कर चुका हूँ, देखा आप योर वेबसाइट नेम, देखा आपको योर वेबसाइट URL लिंक आपको, जो योर कंपनी नेम। ठीक है, तीनों में फिलअप करना पड़ेगा आपको इस तरह से, और फिर आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट पर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट पर। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको योर बोल रहा है योर कंट्री नेम, योर स्टेट आपको, योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, चलिए तीनों में फिलअप करता हूँ आपको इसको, आप अपने हिसाब से चुन लेंगे आपको किस देश का है। ठीक है, चलिए मैं फिलअप करता हूँ इंडिया, उसको स्टेट चुन गए, अब उसके बाद ईमेल एड्रेस डालेंगे। ठीक है, आपके सामने में चलिए ईमेल फिल करता हूँ आपको इस तरह से, देख लेते हैं ईमेल एड्रेस मेरा सही है कि, क्योंकि ईमेल एड्रेस भी जाता है, ईमेल आईडी पे भी चले आप भेज देगा। ठीक है, आपको आप फिर आपको जाना पड़ेगा गेट जनरेशन टर्म एंड कंडीशन, इस पर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं इस पर फिलअप करता हूँ, इस पर टिक करता हूँ, जैसे टिक करेंगे देखो आपको जनरेट कर देगा। ठीक है, आपको टर्म कंडीशन का पेज जनरेट कर देगा है, देख रहे हैं यहाँ से आपको देख रहे हैं, ये आपको जो HTML कोड है। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको आपको HTML कोड में आपको इसमें कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको HTML कोड जनरेट करना अच्छा रहेगा। ठीक है, देखा आपको HTML पेज आपको इस तरह से आएगा ना, आपको इस तरह से पेज आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं इस कॉपी को पूरा मैं कॉपी करता हूँ इस पेज को। ठीक है, कॉपी अंदर, ठीक है, आपको इस पर कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी का फिर आपको जाना पड़ेगा ब्लॉगर में जाना पड़ेगा, कॉपी करने के बाद ब्लॉगर में फिर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे आपको पेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, पेज में जैसे जहाँ पर यहाँ पर चले मैं आ गया पेज पर, लिखेंगे यहाँ पर न्यू पेज, न्यू पेज पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको टर्म कंडीशन, चलिए मैं इस पर HTML कर लूँगा, HTML में जाएंगे नीचे देख रहे हैं आपको इसको नीचे करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर आपको कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, इसे यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ आपको, चलिए मैं इस तरह से देखता हूँ इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं मैं यहाँ पर पेस्ट कर चुका हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पेस्ट कर चुका हूँ इसको, आपको देख रहे हैं आपको टर्म कंडीशन को कॉपी करेंगे इतना पेज को। तो आप देख रहे हैं आपको पेज का यहाँ पर नाम भी दे दिया टर्म कंडीशन, यहाँ पर HTML कोड के यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर दिया है। देखिए आपको वेबसाइट का ईमेल एड्रेस यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, उसके आपको यहाँ पर पब्लिश करना पड़ेगा, चलिए मैं पब्लिश करता हूँ आपको इस तरह से, जैसे अभी यहाँ पब्लिश कर देंगे आपको बता देगा किस तरह से आपको लगेगा, चलिए मैं इसको भी देखता हूँ आपको, जैसे इस पर क्लिक करेंगे व्यू पर क्लिक करेंगे किस तरह से लगेगा आपको टर्म कंडीशन का पेज, आपको देख रहे हैं टर्म कंडीशन आपको पहले आपको हेडिंग में लगेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आपको वेलकम टू संजय, देखो संजय ऑफिशियल इस तरह से आपको नाम आ जाएगा। ठीक है, आपको जिस नाम जाना चाहते हैं इस पर, ठीक है, आपको इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई परेशानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसके रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, दोनों का मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर आज के इतना ही, जय हिंद।